रमजान के पाक महीने में टीवी एक्ट्रेस हिना खान उमरा करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी और उनकी मां की तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं। जिसके चलते हाल ही में उन्होंने उमरा खत्म करने पर खुशी जताई और साथ ही उन ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है जो उन्हें पवित्र स्थल पर फोटोशूट करने के लिए निशाना बना रहे थे। दरअसल 25 मार्च यानी शनिवार को हिना खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया था। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि हिना सऊदी अरब के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना में उमरा करती हुई नजर आ रही है। विदाउट मेकअप और साथ ही हिजाब पहनने की वजह से भी कई ट्रोलर्स ने उन्हें निशाना बना लिया, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। इन फोटोज के लंबे चौड़े कैप्शन में हिना खान ने अपनी पहली उमरा जर्नी को बयां किया और ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही हिना ने लिखा है कि हर कोई जानता है कि भगवान महान है, पवित्र इरादे और एक विनम्र इच्छा को भगवान के घर में कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता, और उन सभी लोगों के लिए जो मुझे जज कर रहे हैं। साथ ही हिना आगे कहती है कि मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नियत, दया और अच्छे कर्मों में विश्वास रखती हूँ। बाकी आप सबको अपने कर्मों का खुद ऊपर जाकर जवाब देना है, प्यार फैलाओ। इस पोस्ट के जरिए हिना ने ट्रोलर्स को अच्छी खासी नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, हिना ने अपने उमरा की और भी कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने ये भी बताया कि ये उनकी लाइफ का पहला उमरा रहा जिसे उन्होंने उनकी माँ और भाई के साथ पूरा किया है। मालूम हो कि हिना खान का नाम उन चुनिंदा टीवी एक्ट्रेस में भी शुमार है जो शूटिंग के दौरान रमजान के महीने में रोजा रखने के लिए जानी जाती है।